मामला जनपद हमीरपुर की डाक तहसील के ग्राम पवई का है, जहां पर गौशालाओं के नाम पर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए सरकार की तरफ से आ रहा है, लेकिन यहां का दुर्भाग्य कहें या गायों के उपयोग के लिए आई धनराशि का गौशालाओं के जिम्मेदार वह समाज की महान विभूतियां उस धनराशि को यूं ही हड़प रही हैं। आज कहां खो गई हम भारतीयों की मानवता और आज कहां खो गई हम भारतीयों की इंसानियत, जो मां रूपी गायों को इतनी बेरहम बात बेदर्दी से सरेआम बेमौत मौत के घाट उतार रहे हैं। आइए हम अपने भारत का घोर कलयुग का दुखद खौफनाक मंजर दिखाते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के विकास खंड रात के ग्राम मवई की गौशाला में गौशाला के कार्यकर्ताओं द्वारा जीवित गायों की पैरों को रस्सी में बांधकर और ट्रैक्टर वाहन के द्वारा घसीटते हुए जंगलों में अर्धमृत अवस्था में फेंका जा रहा है। वहां पर उन जीवित सशक्ति हुई गायों को कुत्ते व अन्य जंगली जानवर खा रहे हैं। जो गौशाला में गायों के लिए सरकार द्वारा आई धनराशि को बड़े गर्व व चाप से बंदर बांट करके ग्राम प्रधान और ब्लॉक के संबंध अधिकारी हड़प रहे हैं। गौशाला में गायों को भोजन के नाम पर हजारों लाखों रुपए आ रहा है, लेकिन यहां पर बेजुबान मूक गाय भूखी प्यासी तड़प तड़प कर बिलख कदम तोड़ती नजर आ रही है, बीमारियों से बेमौत मर रही है। ना तो गौशाला में खाने पीने की उचित व्यवस्था है, बल्कि जरा सा बीमार या कमजोर होने पर गायों को जिंदा पैर बांधकर ट्रैक्टर द्वारा घसीटते हुए जंगलों में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार की एक दो नहीं बल्कि अनेकों गायें जंगलों में पड़ी अचेत अवस्था में दुखद अपनी मौत के लिए प्रार्थना कर रही हैं, और उनकी यह दुखद पीड़ा सुनने देखने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें, गायों की गौशाला का कमीशन उन अधिकारियों को भी पहुँच रहा है, जिसके चलते अधिकारी गौशाला के प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई करने में लाचार व बेबस हैं। प्रधान व संबंधित अधिकारियों की भीलीभगत से जो गौवंश मवेशियों के ऊपर घोर अत्याचार हो रहा है, उससे हमारा समाज शर्मसार हो रहा है और इनके कुकृत्य कर्मों से समूचा मानवता कलंकित हो रही है। आखिर वह दिन कब आएगा जब हमारे गोवंश को न्याय मिल सके और उन व्यक्तियों को सजा मिल सके? गौशालाओं की स्थिति देखी है, जो बहुत खराब है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि जो हमारी गौशालाएं बनी हुई है तो स्थायी गौशालाएं बनी है, जिनकी की व्यवस्था पूरी तरह से कर दी गई है सरकार द्वारा, उन्हें भूसे की पर्याप्त धनराशि भी मिल रही है और इस समय उनसे पूर्व में दी गई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र और मांगा गया और डिमांड भी मांगी गई कि आपको कितनी देर धन भूसे की आपको डिमांड है वो आप दें, जिससे कि आपके मतलब ग्राम पंचायत में धनराशि उपलब्ध कराई जा सके और उसी धनराशि से मतलब पर्याप्त उनको भूसा चारा की व्यवस्था की जाए। और आपके ने जो निरीक्षण किया और गौशालाओं में जो कमियां पाई गई, उसके लिए मैंने पशु डॉक्टर सचान जी को पूरी तरह से निर्देशित कर दिया और अभी तत्काल वो क्या कहते हैं मवई ग्राम पंचायत पहुंच रहे हैं और जो गायें अवस्था में मतलब बीमार अवस्था में पड़ी हैं उनका आज ही और तुरंत इनका इलाज होगा और जो मतलब मृत हो गई हैं उनके हटाने की व्यवस्था सेक्रेटरी से बात करके तुरंत करवा दी जाएगी और जो भी कमियां पाई गई हैं भविष्य में इस तरह की कोई कमियां नहीं पाई जाएंगी। हम अपनी पूरी गौशालाओं की पूरी तरह से देखभाल करेंगे।